और उन्होंने कहा ब्रह्मा खुद अपनी बेटी का बलात्कार करने वाला। पहले परिच्छेद में ब्रह्मा की ऐसी तैसी करना, कितना चरित्रहीन व्यक्ति था, कितना बुरा काम करता था, फिर भी इसे मसीहा बनाया गया। और कहा गया कि ब्रह्मा विराट पुरुष के मुख से वो गर्भ धारण कहां हुआ? सवालों को सोचिए, पैर से कैसे पैदा हुए इनको सोचिए, वराह, वराह को लिखा है गलीच गेंडा, ये तेवर था, ये हिम्मत थी ज्योतिबा फूले की। और परशुराम को कहते हैं कि ये दैत्य था, और इस दैत्य को किस तरह से शास्त्रों में पूजा जा रहा है, वो ब्राह्मणों को कलम कसाई बोलते हैं। तो आज एससी एसटी ओबीसी को अगर एकजुट होना है, ब्राह्मणिकल हेजिमनी को चैलेंज करना है, तो उन्हें अंबेडकर के साथ पेरियार और फूले को पढ़ना होगा। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, मासिक मेंबरशिप लेकर द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आज भाग दो में हम डॉक्टर अंबेडकर जैसे अपना गुरु मानते थे, सामाजिक न्याय की वैचारिकी में एक ऐसा शख्स जिसने समाज सुधार आंदोलनों के ज्ञात इतिहास में एक बहुत बड़ी लकीर खींची, जिसे उपेक्षित किया गया। शिक्षा, न्याय, धर्म के आवरण और तमाम तरह के आडंबरों के खिलाफ जिसने आवाज उठाई, उसे इतिहास ने उतनी जगह नहीं दी जितना देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं ज्योतिबा फूले की। महाराष्ट्र के पुणे में महाराष्ट्र का अपना एक इतिहास रहा है, दलित आंदोलन का, सामाजिक सुधार आंदोलनों का। और हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन रहा हो, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम का आंदोलन रहा हो, और उसके बाद एक लंबी परंपरा रही हो जहां महाराष्ट्र में एक बहुत विस्तार से सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के बुनियाद रची गई। लेकिन उस बीच में पेशवाई का एक शासन आता है। बाजीराव द्वितीय के बाद जो जातिवाद था उसका चरम दिखने लगा। बाजीराव द्वितीय के बाद पूरा मंत्रिमंडल, राज्य की शासन व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों पर एक ही जाति का दबदबा कायम हो गया, और वो थी ब्राह्मण जाति। और उसके बाद उन्होंने एक पूरी हेजमनी अपनी क्रिएट की, और उसी समय जो अछूतों के साथ सबसे ज्यादा अमानवीय व्यवहार हुए, गले में मटका बांध करके चलना, पीठ के पीछे झाड़ू टांग करके चलना, मुख्य राजमार्ग से नहीं जा सकते, थूक नहीं सकते, सार्वजनिक जगहों पर पानी नहीं पी सकते, और ब्राह्मणों ने यह सारी व्यवस्था को बहुत ठोस ढंग से आरोपित किया। यानी सबसे अमानवीय दौर जो था, उस दौर में ज्योतिबा फूले का परिवार इस पूरे पेशवाई तंत्र को अपने सामने देख रहा था। पिता गोविंद राव और माता चिमड़ाबाई के घर 11 अप्रैल 1827 को दो बच्चों में से एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम उन्होंने ज्योति रखा। ज्योति जिस दौर में पैदा हुए थे वो दौर इसी ब्राह्मणवादी हेजमनी का दौर था, पेशवाई तंत्र के चलते जो अमानवीय स्थिति हो गई थी उसका दौर था। वहां एक लड़का पैदा होता है, बचपन में बाल विवाह था, तो 13 की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है सावित्री जी से, जिन्हें बाद में हम सावित्री बाई फूले के नाम से देखते हैं, और एक उनके बिना ज्योतिबा फूले का पूरा पूरा संघर्ष पूरा नहीं होता। किसान कामगार जातियों के बीच इनका परिवार पेशेगत तौर पे माली का काम किया करता था, यानी ये जाति से माली घर में पैदा हुए थे, और उस वक्त इनके इनका कुल गोत्र था गोहे, जो
फूलों के व्यापार के चलते बाद में फूले से जुड़ा और आज भी हम ज्योतिराव फूले यानी ज्योतिबा फूले के नाम से जानते हैं। उस बच्चे को पढ़ाने की ललक पिता गोविंद राव फूले में थी और उन्होंने इनका मिशनरी स्कूलों में दाखिला करवाया और दाखिला करवा करके इन्होंने फूले को पढ़ाया और प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद ज्योतिबा फूले के पिता एक बात सोचते थे कि क्या पढ़ाई की अहमियत है। फिर उसके बाद पढ़ाई को लेकर के मुश्किलें आने लगीं तो उनके मोहल्ले में गफ्फार बेग मुंशी जो फारसी के शिक्षक थे और ईसाई पादरी लिजिट थे, इन लोगों ने गोविंद राव को कहा कि तुम्हारा लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, इसे तुम आगे जरूर पढ़ाना। फिर उन्होंने ज्योति का एडमिशन स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में कराया जो कि कॉलेज की डिग्री पाने के लिए आगे आगे बढ़ता है। और उसी स्कूल में उसकी कॉलेज की पढ़ाई के दरमियान अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा पाई ज्योति ने। सबसे बड़ी बात कि दुनिया के बड़े बड़े विचारकों को पढ़ा समझा जाना और दुनिया के इतिहास को पढ़ा और जिन दो क्रांतियों से ज्योति सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और आगे उनके पूरे आंदोलन पूरे मिशन में वह बुनियाद बनकर के आती है वो फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। और उस पूरे दुनिया के लिटरेचर को पढ़ते हुए ज्योति के मन में उनके उनके साथ पढ़ने वाले तमाम मुस्लिम बच्चे थे, तमाम ब्राह्मण थे, तमाम छोटी जातियों के लोग थे जिनको मौका नहीं मिला था, उनकी दोस्ती होती है। उनके दो सबसे प्रमुख मित्र विठल बालवेरकर और सुखाराम सखाराम परांजपे। तो एक स्कूलिंग और कॉलेज की शिक्षा के बाद ज्योति के मन में ये सब विचार आने शुरू हो गया था कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे यहां पेशवाई के बाद ब्राह्मणवादी हेजेमनी किस तरह कायम है। और उसके बाद स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद इनको पिता ने कुछ दिन के लिए कहा कि अब तुम अपने उसी माली के पेशे में लग जाओ। वो पुणे चले गए और उसके दरमियान एक घटना घटती है उस विचारों से आंदोलित होते हुए एक व्यक्ति के सामने। उसके सबसे परम मित्र जो ब्राह्मण था उसने अपनी शादी में ज्योति को बुलाया। ज्योति उसकी शादी में जाते हैं, बारात चल रही है दूल्हे के साथ और अचानक एक ब्राह्मण के नजर पड़ती है कि ये गैर ब्राह्मण हमारी बारात में कैसे आ गया। और उस समय उनको दुत्कार करके उस बारात से निकाला जाता है। एक प्रसंग में पढ़ रहा था एक जीवनी में उनके यह भी लिखा है कि जब वो उस बारात से केवल अपनी जाति के नाते निकाले गए कि ये ब्राह्मणों की बारात है केवल ब्राह्मण जाएंगे, तो उस समय बगल में एक अछूत पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, उसके गले में मटका था, पीछे झाड़ू बधी हुई थी, वो ज्योति को देखकर हंसने लगा। तो ज्योति ने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों हंस रहे हो। तो उस अछूत ने बोला कि हम तो शूद्र है अछूत हैं, तुम्हारी जातियां किसान जातियां कामगार जातियां थी, आज देखो तुम्हें भी उन्होंने अछूत मान करके बाहर कर दिया बारात से। इस घटना ने ज्योति के जीवन को बदल कर रख दिया और वो उसके बाद एक नए सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनकारी के रूप में निकलता हुआ एक नायक हमारे सामने आता है जिसे गेल आमवेट के एक बहुत प्रसिद्ध लेख के तर्ज पे मैं कहना चाहूंगा महात्मा। 1888 का वक्त था, मुंबई में बहुत बड़ी सभा हुई थी, उस सभा में सामान्य कामगार ज्योतिबा फूले की भाषा में कहें तो शूद्र और अति शूद्र इकट्ठा हुए थे, तमाम लोग थे और उन्होंने एक स्वर में ज्योति के भाषण के पूरा होने के बाद कहा कि आप हमारे लिए महात्मा हैं। और उसके बाद उनके नाम के साथ महात्मा ज्योतिराव फूले जुड़ा। और गेल आमवेट का लेख आपको जरूर पढ़ना चाहिए महात्मा बनाम महात्मा। तो ऐसा जीवन जिस व्यक्ति का रहा हो उसके बारे में हम आज कुछ बातचीत करेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मेरी इस बातचीत का बहुत बड़ा हिस्सा, चूंकि समय कम होता है तो एक बड़े नायक पर आधे घंटे 45 मिनट में बात करना उसके पूरे जीवन के साथ अन्याय करना है। उनके काम पर इतने कम वक्त में बात नहीं की जा सकती। उन्होंने अगर शिक्षा पर ही जो काम किया है उसी पर बात की जाए तो कई दिन लग जाएंगे। नारी को लेकर के बात है, सेल्फ डिग्निटी का जो मूवमेंट है, उसके बाद फिर जो अंग्रेजों से रिश्ता है,
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उन सारी चीजों पर बहुत विस्तार में बात हो सकती है, लेकिन मैं गुस्ताखी ये करूंगा कि मैं बहुत संक्षेप में ज्योतिबा फूले पर बात करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी, और इस गुलामगिरी के साथ हम अपनी बातचीत पूरी करेंगे। इसके पहले मैं बताऊं कि इनके ज्योतिबा फूले की एक जीवनी लिखी है धनंजय कीर ने। धनंजय कीर वही व्यक्ति है जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की भी जीवनी लिखी है, आपको उस किताब को पढ़ना चाहिए, धनंजय कीर की जीवनी ज्योतिबा फूले। दूसरी एक किताब एनबीटी से आई है ज्योति चरित नाम से। इस किताब को लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने 1990 में लिखना शुरू किया था, 1991 में पूरी हुई है किताब। इसको एनबीटी से आप ले सकते हैं, ज्योति चरित के नाम से यह किताब है। अब मैं अपनी बातचीत ज्योतिबा फूले के एक मोमेंट और उनके क्या थी उनकी अहमियत और हम आज क्यों हमें इस शख्सियत को पढ़ना चाहिए जानना चाहिए, उसकी शुरुआत करने के लिए मैं सुनील खिलनानी का सहारा लेता हूं। एक बहुत प्रसिद्ध सी किताब है सुनील खिलनानी की जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, इनकैरनेशन। और इस किताब में भारत के बनने में जितने लोग शामिल रहे हैं उन लोगों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है, जिसमें पेज नंबर 253 से लेकर के पेज नंबर 264 तक ज्योतिबा फूले पर एक बड़ा अध्याय है। तो सुनील खिलनानी ने बहुत विस्तार में बताया कि एक विचारक जो क्रिश्चियन मिशनरियों के बीच से अपनी तालीम हासिल कर रहा था, अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई लिखाई कर रहा था, और जो मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, इन लोगों को देख रहा था, जॉर्ज वाशिंगटन को, मार्टिन लूथर किंग को, और उसके बाद उस जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री विचारक रहे थॉमस पेन, जिन्हें ज्योतिबा फूले अपना गुरु मानते थे, तो इन सारे लोगों के बीच से एक ऐसा नायक हमारे बीच पैदा हो रहा था जिसको सुनील खिलनानी इनकैरनेशन किताब में शुरुआत में लिखते हैं कि दुनिया की सभ्यता एक बगीचे की तरह है, हर वक्त उस बगीचे में एक माली की जरूरत होती है जो खरपतवार को काटता है, बेतरतीबियों को सहेजता है और उस बगीचे को खूबसूरत बनाता है। ज्योतिबा फूले भारतीय समाज के लिए माली तबके से आए हुए एक ऐसे माली थे जिन्होंने फूलों का व्यापार ही नहीं किया, साग सब्जी की दुकानें ही नहीं की, उन्होंने इस मानव भारतीय संस्कृति को एक बौद्धिक रूप से नए आयाम में चुनौती दी। ज्योतिबा फूले ने एक सामाजिक और सांस्कृतिक विचार विमर्श खड़ा किया जिसकी परंपरा फूले से बुद्ध से लेकर के महाराष्ट्र के सामाजिक आंदोलनों की बनी बनाई परंपरा थी, उसे व्यवस्थित किया। तो आज हम उस नायक पर बात कर रहे हैं जिसे अंबेडकर अपना गुरु मानते थे, जिसने इस पूरे एक किताब से उस जमाने के तमाम बड़े स्थापित नामों को चुनौती दी थी। एक सवाल के जरिए मैं अपनी बातचीत शुरू करूंगा कि बहुत प्रसिद्ध कथन है, शिकारी अगर इतिहास लिखेंगे तो हिरणों का इतिहास नहीं आएगा, हिरणों को अपना इतिहास खुद लिखना होगा। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, विवेकानंद, दयानंद हमारे लिए समाज सुधारक हैं, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज से लेकर के तमाम समाज हमें बताए गए, रामकृष्ण मिशन तक इसको स्थापित किया गया कि ये हमारे राष्ट्र को बनाने के नायक हैं। लेकिन सत्य शोधक समाज के रचयिता जो जिस माली ने दरअसल भारतीय महाद्वीप के बगीचे के असली कांटों को निकाला था, उसे इतिहास में महानायक का दर्जा नहीं दिया गया, भारतीय राष्ट्र निर्माता का दर्जा नहीं दिया गया। हमने अपने नैतिक शिक्षाओं के एक पाठ्यक्रम में छोटा सा हिस्सा जोड़ दिया कि ये ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले हैं जिन्होंने यहां स्कूल खोल दिया था, जिन्होंने सत्य सुधक समाज चलाया था, और इतने बड़े व्यक्तित्व को हमने मात्र इन एक दो खांचों में कैद कर दिया। बातचीत के इस क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो मैं कुछ उनके जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वहां से बातचीत शुरू करूंगा और बातचीत के आखिरी हिस्सों में
मैं कोशिश करूंगा कि गुलामगिरी के कुछ पन्नों को आपके सामने साझा करूं। हम जानते हैं कि आज के इस वक्त में हमारी चुनौती क्या है, यहीं से बातचीत शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा तबका जो अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से मंडल कमीशन के बाद पिछड़े वर्ग के नाम से एक पहचान के रूप में इकट्ठा हुआ, जिसमें किसान जातियां, कामगार जातियां, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, मोची और तमाम जातियां जो ये थी, मोची नहीं, बढ़ई, कुम्हार, लुहार, नाई और उसके बाद फिर माली, सब्जी पैदा करने वाले लोग, इन सारे जातियों को मिला करके एक बड़ा समूह बना। ज्योतिबा फूले उस तबके से आते थे, लेकिन उन्होंने जिस मुक्ति का ख्वाब देखा वो जाति व्यवस्था से मुक्ति थी, वर्णाश्रम व्यवस्था से मुक्ति थी। और ज्योतिबा फूले की शब्दावली में बोलूं तो ब्राह्मण और पुरोहित की हेजमनी के सामने शूद्र और अतिशूद्र के संघर्ष का नायक हमारे सामने खड़ा होता है। तो शूद्र और अतिशूद्र में ये दलित, पिछड़े, आदिवासी सब शामिल हैं, क्योंकि ज्योतिबा फूले बहुत विस्तार में लिखते हैं कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों पर कब्जा किया, जातियां बनाई और जातियों को फिर इस क्रम में स्थापित कर दिया कि हर जाति अपने से नीचे जाति को घृणा के नजर से देखने लगी, और शिक्षा से वंचित कर दिया, संसाधनों से वंचित कर दिया। और ये शूद्र और अतिशूद्र इस पूरी व्यवस्था में सबसे हाशिए पर चले गए, और यह तंत्र बनाया हुआ है ब्राह्मणों का, इसलिए गुलामगिरी सीधे सीधे ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर हमला करती है। तो ज्योतिबा फूले को एक बात समझ में आ गई थी कि मुक्ति का द्वार शिक्षा से है, और मुख्य रूप से उन्होंने जो सबसे प्राथमिक काम शुरू किया वो शिक्षा पर शुरू किया, क्योंकि खुद वो शिक्षित होकर के आगे आए थे। तो उन शिक्षा से वंचित तबकों को वो कहते हैं आप शूद्र अतिशूद्र हैं। तो आज कुछ ओबीसी को लगता है कि वो क्षत्रिय वंशज हैं, आज कुछ ओबीसी को लगता है कि नहीं वो शूद्र नहीं है। तो आपके ओबीसी तबके से आने वाले ज्योतिबा फूले कह रहे हैं कि आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था, आप राजा नहीं बन सकते थे, आप उत्पादन कार्य में शामिल थे, आप शस्त्र नहीं उठा सकते थे। शिवाजी को इसीलिए नायक के तौर पर ज्योतिबा फूले बार बार याद करते हैं कि ब्राह्मणों, ब्राह्मणवादी परंपरा के खिलाफ वो गैर ब्राह्मणवाद की एक बड़ी आवाज थे, इसलिए ज्योतिबा फूले शिवाजी को बहुत बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं और उनको अपना नायक मानते हैं, और कहते हैं कि आप सब वंचित थे इसलिए आप शूद्र अतिशूद्र में आते हैं। तो ओबीसी तबके को खास तौर पर ज्योतिबा फूले को पढ़ने की जरूरत है। क्या सबसे प्रसिद्ध वाक्य उन्होंने क्या कहा, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया। और उसके बाद उन्होंने सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात आखिरी में उन्होंने, मैं आऊंगा अभंग पर, उन्होंने लिखा क्या कि सत्ता की मस्ती में उनकी शिक्षा बंद कर दी, शूद्रों ने स्वीकार कर लिया हमेशा के लिए, मनु जलकर खाक हो गया जब अंग्रेज आया। यहां से याद रखिएगा कि ज्योतिबा फूले अंग्रेजी शासन व्यवस्था को बाकी राष्ट्र के नायकों से अलग, कुछ मुख्तलिफ अंदाज में देखते थे, आगे अभी उस पर चर्चा करेंगे। मनु जलकर खाक हो गया जब अंग्रेज आया, ज्ञान रूपी मां ने हमको दूध पिलाया, ज्ञान रूपी मां ने, अब तो तुम भी पीछे ना आओ, भाइयों पूरी तरह जलाकर खाक कर दो मनुवाद को, हम शिक्षा पाते ही पाएंगे वह सुख, पढ़ लो मेरा लेख ज्योति राव कहें। तो यहां से उस पहली बात को हम लोग शुरू करते हैं कि किस प्रकार से ज्योतिबा फूले ने शिक्षा को पहली अहमियत दी और स्कूल खोलने की शुरुआत की। उनके मित्र उस्मान शेख ने जमीन दी और उन्होंने पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोला जो 1848 में शुरू होता है। और उस स्कूल में जो जमीन थी वो पुराने गंज पेठ मोहल्ले में अपने दोस्त गोविंद के जरिए उन्होंने दूसरा स्कूल खोला और तीसरा स्कूल 1851 में खोला। तो उस जमाने में ज्योतिराव फूले ने सीधे सीधे ये कहा कि महार, मांग, मोची जैसी अछूत जातियों की बालिकाओं का आपने एडमिशन किया। ज्योतिराव ने कहा कि आप गुलाम इसलिए हैं क्योंकि आपको शिक्षा से वंचित रखा गया, तो आप शूद्र और अतिशूद्र बने रहे, और ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
ये तीनों अपनी हेजमनी कायम रखे, इसलिए आपको शिक्षा ही मुक्ति का द्वार देगी। और इस नजरिए से वो अंग्रेज शासन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या हम अपने पूरे विमर्श को केवल इस बात से नापेंगे कि कौन अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था? तो एक बहुत बड़ा तबका जो कह रहा है कि शिक्षा मिलने का द्वार हमारे अंग्रेजी शासन से शुरू हुआ, इस नाम पर ज्योतिबा फूले की उपेक्षा की गई, उलाहना दिया गया। लेकिन गुलामगिरी पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे, और इस किताब में आगे भी हम बात करेंगे कि ज्योतिबा फूले ने कभी यह नहीं कहा कि अंग्रेज शासन यहां बना रहे। ये ज्योतिबा फूले की एक पॉलिटिकल टैक्टिस थी कि इसी टैक्टिस के आधार पर उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया था, और उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्रता आंदोलन में तुम जीत जाओगे तो वही पेशवाई का जो ब्राह्मण राज है वो स्थापित हो जाएगा, हम शिक्षा से, जमीन से, अपने काम के पेशों से वंचित कर दिए जाएंगे, इसलिए हमें अंग्रेज राज में बराबरी की जरूरत है। और हमारे इतिहास में क्या हमें बताया गया कि ज्योतिराव फूले तो अंग्रेज परस्त थे, ज्योतिराव फूले तो आजादी के आंदोलन के विरोधी थे। तो ज्योतिराव फूले ने जो यह काम किया, इस काम को आपने देखा नहीं, तो इस पॉलिटिकल टैक्टिस की का इंटरप्रिटेशन की व्याख्या इतनी गलत कर दी गई कि ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों में जो ब्राह्मण काबिज थे उन्होंने ज्योतिराव फूले को उपेक्षित कर दिया। अभी हम आएंगे कि जिस दौर में ज्योतिराव फूले लड़ रहे थे उस दौर में ब्राह्मण किस तरह उनके खिलाफ थे, ज्योतिराव फूले के बाद जब आजाद हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जा रहा था तो कैसे ज्योतिराव फूले को सिलेबस से बाहर रखा गया, कैसे ज्योतिराव फूले को अंग्रेज परस्त घोषित किया गया, कैसे ज्योतिराव फूले को फिर से स्कूल खोलने वाला एक समाज सुधारक बना दिया गया, जबकि इस ज्योतिराव फूले सामाजिक न्याय की वैचारिकी की बुनियाद रचते हैं जो पूरे देश को एक बड़ा महत्वपूर्ण सामाजिक और फ्रांसीसी क्रांति के शब्दों में कहें, जिसे ज्योतिराव फूले बार बार बहुत शिद्दत से याद करते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, वैसा राज बनाना चाह रहे थे। तो हमने अपने राष्ट्र नायकों के साथ अन्याय किया है, तो तीन स्कूल खोले, और तीनों स्कूल खोलने के बाद उनको उनके पिता के यहां ब्राह्मण लोगों की बैठक हुई और पिता से कहा गया कि यह धर्म विरुद्ध काम है, कि ये शिक्षा का द्वार खोल रहा है उन नीची जातियों और लड़कियों के लिए। तो गोविंद राव ने अपने बेटे को घर से निकाला और ये कहा कि तुम जो कर रहे हो वो करो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम मेरा घर छोड़ दो। और गोविंद राव ने ज्योति राव को घर से निकाला और उन्होंने कहा कि अगर सावित्री तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो साथ ले जाओ। सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले दोनों घर छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं, तीन तीन स्कूल स्टेब्लिश करते हैं। क्या हमने ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को अपने एजुकेशन की हिस्ट्री में पढ़ा? क्या हमारे लिए शिक्षा के नायक ज्योतिबा फूले बने? क्या स्त्री विमर्श ने ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को वो जगह दी? ये सवाल आपके पास छोड़े जा रहा हूं इस कथन के साथ। स्कूल में जब शिक्षा होने लगी तो ब्राह्मणों ने महासभा बुलाई और पर्चे लगवा दिए पूरे मोहल्ले में, और उस पर्चे पर सुनील खिलना ने उसका एक कार्टून बना करके पेश करते हैं। मैं उस कार्टून को आपको दिखाना चाहूंगा, आप समझें कि जहर कैसे बना था। सुनील खिलना ने अपनी किताब में इनकर्नेशन में ये देखिए कार्टून बना था, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, उस कार्टून पर जो लिखा है वो मैं पढ़ता हूं। जो सावित्री बाई फूले की फोटो बनी हुई है और उस पर लिखा हुआ है वॉन्टेड सावित्री बाई फूले द एजुकेटिंग शूद्रा एंड एंटी शूद्रा गर्ल्स, ये अति शूद्रा गर्ल्स, सॉरी। और ब्राह्मण लोग चोटी लगाए हुए, चोटी पहने हुए घरों पर ये पोस्टर लगा रहे हैं। ये काम किया गया था जब इन्होंने स्कूल खोले थे, बाकी वो किस्सा अगर आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। इनको गांव से निकाला गया, साड़ी, दो साड़ी लेकर के सावित्री बाई फूले जाती थी। और इसका एक किस्सा और जोड़ता हूं, जब इस स्कूल को खोला तो जमीन नहीं मिल रही थी, फिर कुछ मित्रों की जमीन और कुछ सरकारी जमीन पर इन्होंने स्कूल खोला। टीचर नहीं मिल रहे थे पढ़ाने के लिए, मास्टर नहीं मिल रहे थे कि ये अधर्म कौन करे, तो इन्होंने उसी दरमियान अपने दोस्तों के साथ अहमदनगर की यात्रा की। अहमदनगर में जो ईसाई मिशनरियां चल रही थी वहां पर उन्होंने श्रीमती फरार मिलती, जिन्होंने इनको उकसाया
कि हिंदू धर्म और हिंदुस्तान यानी भारत की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उन्होंने अपने महिलाओं को शिक्षित नहीं किया, और आपका घर एक पाठशाला होता है और आपने पढ़ाया नहीं, और उसके लौट के आने के बाद उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, और उसी दरमियान वो स्कूल खोलने की पूरी प्रक्रिया चली। तो सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले से कहा कि मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी। तो सावित्रीबाई फुले और उस्मान शेख की रिलेटिव रही थी, अभी इसमें विवाद है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे नहीं हूं कि पत्नी थी कि बहन थी, फातिमा शेख, ये दोनों मिलकर के उस स्कूल में पढ़ाने जाते थे, और उस पढ़ाने के नाम पर इनके ऊपर मैला फेंका जाता था और इनको तिरस्कृत किया जाता था। ब्राह्मण महासभा की बैठक होती है, ज्योतिबा फुले के नाम से वारंट निकाला जाता है और इनके ऊपर धर्म द्रोह का केस लगाया जाता है। फिर से सुनील खिलनानी को याद करूं तो कहा जाएगा कि जिस समय राष्ट्रवाद क्या दौड़ चल रही थी, राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, उस समय ज्योतिबा फुले राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे। आज अगर होते तो इनकी इनकी लिंचिंग हो जाती, अगर अकेले गुलामगिरी, अभी आएंगे गुलामगिरी पर, तो ये लिंचिंग के शिकार हो जाते नफरत की सियासत में। लेकिन इन मसीहाओं ने उस दौर में ये महसूस किया कि स्त्री शिक्षा, दलित शूद्र जो अति शूद्र कहते हैं उनको शिक्षित करना कितना जरूरी है, और उन्होंने कहा कि यह शिक्षा हमारे लिए बुनियाद है, और बॉम्बे नेटिव एजुकेशन संस्था बनाई ज्योतिबा फुले ने, और उसके वार्षिक अधिवेशन में लोगों की चर्चा होने लगी कि इस वार्षिक अधिवेशन में जो बच्चे निबंध प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता में शामिल होते थे वो अप्रत्याशित मेधा से युक्त होते थे, और उस मेधा में एक वाक्य जिसका डॉक्टर अंबेडकर ने जिक्र किया है, और डॉक्टर अंबेडकर बार बार ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे, वो किस्सा सुनाता हूं। एक बार 1851 में ऐसे ही वार्षिक सम्मेलन लड़कियों के स्कूल का हो रहा था जो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले चलाते थे। उस सम्मेलन में एक 14 साल की महार लड़की, इस घटना का जिक्र डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया है, और डॉक्टर अंबेडकर इस घटना को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, उन्होंने कहा कि महार जाति की लड़की ने एक निबंध पढ़ा था, उस निबंध का कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि अन्य जाति के लोगों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे लिए कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, तो क्या फिर हम धर्म रहित हैं? हे भगवान, हमें यह बतलाओ कि हमारा धर्म कौन सा है। हे प्रभु, तूने हम पर कृपा कर यहां दयालु अंग्रेज शासन भिजवा दिया, उनके कारण हमारे वंश में वृद्धि हो रही है। अंग्रेजों के आगमन से पहले यह ऊंची जाति के लोग हमसे जरा सा अपराध होने पर महार मांग जाति के लोगों की गर्दन छांट देते थे। हम गुल टेकड़ी के आम बाजार में घूमने की इजाजत नहीं थी, वह आजादी अब मिल गई। और इस निबंध की चर्चा इतनी होती है, और वहां जो अंग्रेज अधिकारी आते हैं वो आश्चर्यचकित होते हैं कि यह जो तालीम दी जा रही है, ये बारीक समझ है हिंदू शास्त्रों के कर्मकांड का, झूठ का और पोंगापंथी का। और वो ये कहती है कि जब हमारे लिए कोई धर्म नहीं मानने के दिया, हमारे लिए मंदिर नहीं, हमारे लिए देवता नहीं, तो फिर हम हिंदू कैसे। और इस 14 साल की बच्ची का, महार बच्ची का जिक्र अंबेडकर करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो पूरा एक एजुकेशन हब की तरह से पुणे को बनाया डॉक्टर इन्होंने भी ज्योतिबा फुले ने, तो यह ज्योतिबा फुले का सबसे प्राइमरी और सबसे बुनियादी काम था, शिक्षा लड़कियों के लिए, शिक्षा और घर की महिलाओं को पढ़ाने की बात। और इसके चलते उनको उपेक्षित किया गया, ब्राह्मण महासभा की बैठकों में उनका मजाक बनाया जाता था, उनके ऊपर हमले होते थे, कटाक्ष किए जाते थे, और उसके बाद फिर से इन्होंने अपने इस चीज को आगे ही बढ़ाया और स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी नामक संस्था बंबई में बनाई गई, और उसके बाद इन्होंने इस पूरे मुहिम को आगे बढ़ाया। ज्योतिबा फुले इसके बाद सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट कर रहे थे, और किताबों के साथ एक और चीज है, किताबें लिखते और पत्र निकालते थे, देशबंधु नाम से बहुत प्रसिद्ध पत्र निकालते थे और उसमें आलोचना करते थे। जीवनी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको भी अभी कह देता हूं। गोविंद राव की मौत होती है, पिता थे गोविंद राव, और उस समय ब्राह्मणवादी कर्मकांड के बिना एक भी गतिविधि हिंदू घरों की नहीं होती थी, सो कॉल्ड हिंदू घरों की, ज्योति राव ने मना कर दिया।
कि हमारे यहाँ कोई पौरोहित कर्म नहीं होगा। और गोविंद राव पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अपंगों को, विकलांगों को और शूद्रों और अति शूद्रों को बुलाकर खाना खिलाया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपकी मुक्ति किताब देगी। और उस दिन जो, जैसे हम लोग अपनी भाषा में तेरही कहते हैं ना, तो उन्होंने तेरही नहीं मनाई और उन अशूद्रों को खाना खिलाया और जाते समय किताब भेंट की। तो ये है कलेवर। और आज ओबीसी एससी एसटी जातियां कहां फंसी हुई हैं? सारे ब्राह्मणवादी कर्मकांड को माने हुए। और गुलामगिरी में ज्योतिबा फुले साफ कहते हैं कि उनकी सफलता यह है कि उन्होंने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया और अपने कर्मकांडी पोंगापंथी विचारों को तुम्हारे ऊपर थोप दिया और तुम उन्हें ढो रहे हो अपने कंधों पर, इसलिए तुम्हें उससे मुक्त होना होगा। तो ये एजुकेशन, एक बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट जिसने इस देश के बनने की बुनियाद रखी, हमने उन्हें कभी एजुकेशन के लिहाज से अपनी पूरी परंपरा में शामिल नहीं होने दिया। ज्योतिबा फुले के सारे स्कूल 1870 तक जाते थे बंद होने लगे, पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी थी। लोग अपने घरों में पढ़ने पढ़ाने लगे थे और काम आगे बढ़ निकला था। जिस लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया वो आगे बढ़ना शुरू हो गए थे। उसके साथ एक वाक्या इनके जीवन से बड़ा दिलचस्प जुड़ा हुआ है। जब ये पूरा एजुकेशन का रिफॉर्म शुरू हुआ और उसके साथ उन्होंने उसी दरमियान पत्र लिखना शुरू किया और पत्रों में ब्राह्मणवादी देशबंधु उनका बहुत प्रसिद्ध पत्र था और उसको लेकर के समाज सुधार के सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट खड़ा किया, आत्मसम्मान आंदोलन ज्योतिबा फुले ने, यानी हमारी डिग्निटी है कि नहीं। और यह विचार उनको फ्रांसीसी फ्रेंच रिवोल्यूशन से मिला था, फ्रांसीसी क्रांति से, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का। और वो बार बार इसीलिए मार्टिन लूथर किंग को और वो जॉर्ज वाशिंगटन को और इन सारे लोगों को याद करते हैं और उस और अपनी गुलामगिरी को उन्होंने अमेरिकी निग्रो को ही समर्पित किया है। तो इस पूरे के दौर में उन्होंने भारत के शूद्रों अति शूद्रों को सेल्फ डिग्निटी का मूवमेंट शुरू किया और उस सब मूवमेंट के तहत उन्होंने सत्य शोधक समाज फिर आखिरी में बनाया और सत्य शोधक समाज के साथ जो गुलामगिरी की वैचारिकी थी उसको स्थापित किया कि किसी भी कर्म कांड के बिना हम अपना हर काम करेंगे। पौरोहित, ब्राह्मण और पुरोहित टर्म प्रयोग करते हैं और कहते हैं उनका, इन्होंने हमको मानसिक गुलाम बनाए रखा है, इसलिए हम शादी भी करेंगे तो हम कोई ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, हम कोई भी कर्मकांड करेंगे ही नहीं। और इन्होंने अभंग लिखा है जिन्हें दोहे कहते हैं बाद में, अभंग। और ज्योतिबा फुले ने खुद कुछ पद लिखे थे जिनको विवाहों में लोग दूल्हे दुल्हन गाते थे और इस तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ पूरी स्थापना कर दी। तीसरी एक बात और जुड़ी थी जिन्होंने विधवा विवाह की बात की और जिस पर गोविंद महादेव गोविंद रानाडे से एक बहुत लंबा विमर्श खड़ा हुआ ज्योतिबा फुले का। महादेव गोविंद रानाडे बहुत बड़े नाम हुआ करते थे और उन्होंने उस जमाने में तमाम समाज सुधार के काम किए थे और उस काम में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन जब महादेव गोविंद रानाडे ने मना कर दिया कि आप सत्यशोधक समाज से बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि आपकी बहन विधवा हो गई है, आप इसका पुनर्विवाह कर दीजिए, तो गोविंद रानाडे मना कर दिए। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि आप तुम स्वयं को समाज सुधारक की डिंग मत हाका करिए, आप दोगले लोग हैं। और वही गोविंद रानाडे, जब रानाडे ने अपनी उम्र से 32वें साल में एक 12 वर्ष की बालिका से दूसरा विवाह किया, खुद अपना विवाह किया और उन्होंने नहीं किया, आर्य समाज से इसी बात में विमर्श हुआ और तमाम लोगों से विमर्श हुआ। और इस विधवा विवाह के समय उन्होंने दो चीजें शुरू की थी ज्योतिबा फुले ने जो बहुत महत्वपूर्ण है, बाल हत्या प्रतिबंध गृह और शिशु संगोपन गृह। जो विधवाएं बाल विवाह के शिकार होने के बाद विधवा हो गई और उनके साथ बलात्कार हो जाता था, उनके बच्चों को परवरिश नहीं मिलती थी, उनको उपेक्षित कर दिया जाता था, उन लोगों के लिए इन्होंने विधवा आश्रम खोले, उन बच्चों की सेवा करती थी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले। इन तीनों चीजों को मिलाकर के, एजुकेशन, ब्राह्मणवाद का शास्त्रीय कर्मकांडी हमला ब्राह्मणवाद पर और सत्य शोधक समाज के जरिए कर्मकांड से बिना शादी की बात करना, हर काम को बिना कर्म ब्राह्मणों के कर्मकांड के करना और विधवाओं के विवाह की बात करना, शिशु संगोपन गृह की बात करना, बाल हत्या प्रतिबंध गृह की बात करना, इसको लेकर के ब्राह्मण इतने नाराज हुए कि उन्होंने ज्योतिबा फुले को मारने के लिए दो लोगों को भेजा। उनमें से एक थे घुंडीराम कुम्हार
गुंडीराव कुमार। दोनों लोग गए और उनके घर पर जब मारने के लिए पहुंचे तो ज्योतिबा फूले ने उनसे पूछा कि आप मेरा शीश कलम करने क्यों आए? तो उन्होंने कहा इस काम के हमें 1000-1000 रुपए मिलेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब आप गरीब हैं इतने कि आपने 1000 रुपए के लिए मेरा शीश कलम करने की जिम्मेदारी भी ले ली, तो मैं आपकी उस 1000 रुपए के बीच में नहीं आऊंगा, ये लीजिए मेरा शीश और आप कलम कर दीजिए। धनंजय कीर इसको बहुत विस्तार से लिखते हैं और कहते हैं कि उसके बाद वो दोनों हथियार रख करके सामने धनमस्तक हो गए और उनमें से गोंडी राम कुम्हार सत्य शोधक समाज के उनके सबसे प्रमुख अगुआ बने। और जो गुलामगिरी है ये डायलॉग शैली में लिखी गई है, तो जो सवाल पूछने वाले गोंडी राम कुम्हार हैं वो वही हैं गुलामगिरी के जो ज्योतिबा फूले की हत्या करने ब्राह्मणों द्वारा उनके घर भेजे गए थे। और कुम्हार को चुना गया था, किसी ब्राह्मण ने खुद आकर के हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली। आज भी इन जातियों के लोग आपस में एक दूसरे की हत्या करने के लिए मोहरे बनते हैं। वो गोंडी राम कुम्हार के जरिए इन्होंने पूरा विस्तार में गुलामगिरी की बात की। अब एक और अहम बात जो ज्योतिबा फूले के बारे में कभी न पढ़ने दी गई और जब न पढ़ाई गई। हमने जैसे डॉक्टर अंबेडकर के लिए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का मसीहा, आरक्षण का मसीहा, संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, इतना ही खांचे में बनाया गया। लेकिन इन लोगों के पास जो श्रमिकों को लेकर के चेतना थी, मजदूरों को लेकर के जो काम किया, इसको कभी पढ़ने नहीं दिया गया। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपको पता है कि किसानों के लिए ज्योतिबा फूले ने कुछ काम किया है? मजदूरों के लिए मिल आंदोलन के अगुवाई की थी बंबई में ज्योतिबा फूले ने, कभी आपको पढ़ने दिया गया? इसीलिए तो ज्योतिबा फूले को सिलेबस से बाहर रखा गया और महात्मा को दूसरे महात्मा से रिप्लेस किया गया। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज को जितना आप जानते हैं, क्या उतना आप सत्य शोधक समाज को जानते हैं? ईमानदारी से यह सवाल खुद से करिए। आइए देखते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणवाद और इन सब की आलोचना के साथ असल में क्या किया। मजदूरों के लिए उन्होंने, वो दौर था जब उस समय कई अकाल पड़े थे और किसान के कुछ विद्रोह हुए थे, उन्होंने एक विद्रोह के समय धनकवाड़ी कैंप में, अकाल के समय धनकवाड़ी कैंप में हजारों बच्चों के, भूखमरी के शिकार बच्चों के लिए ठहरने और खाने का इंतजाम किया। और उस समय डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट के लिए उन्होंने किसानों की काम किया। यह अकाल 1860 तक बना रहा, जब अकाल पड़ा था वहां पर, तो उस समय अहमदाबाद, पुणे, सतारे, सोलापुर इत्यादि शहरों में किसानों और साहूकारों में ठन जाने कारण दंगे हो गए। स्थिति बिगड़ती नजर आने लगी। साहूकार लोग किसानों को कर्ज देते समय दस्तावेजों पर ज्यादा रकम लिखवाने लगे। लोगों ने उनकी धूर्तना नहीं सही, शिकायत हुई और ज्योतिबा फूले उस आंदोलन में शरीक होते हैं और किसानों के लिए डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट बनता है। क्या आपने पढ़ा क्या कभी कि ज्योतिबा फूले किसानों के लिए नेता भी थे? नहीं पढ़ने दिया गया। आगे उसके बाद उन्होंने 1869 में ये कहा कि खाद और बीज की बात की कि किसानों को खाद और बीज नहीं मिली। ज्योतिबा फूले ने कहा कि किसानों को पढ़ने का हक नहीं मिला, किसान जातियों को, और इसकी वजह से उनके पास टेक्निक नहीं डेवलप हुई और वो इस पूरे पेशे को जितना अच्छा कर सकते थे वो अच्छा नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने किसानों के शिक्षा की बात की। और उसके बाद दूसरी बात मजदूरों की बात थी। एक वाक्य पढ़ता हूं मजदूरों के लिए ज्योतिबा फूले क्या सोचते हैं। इन दिन इस मिल मजदूरों के दिन में 14-14 घंटों तक अपना खून पसीना एक करना पड़ता था। देशबंधु अखबार जो ज्योतिबा फूले निकालते थे, उसने इस बात की ओर ध्यान खींचा। अखबार में यह बार बार दोहराया गया कि मजदूरों को एक ही हालत में घंटों काम करने के लिए जुटा रहना पड़ता है, लेकिन मिल मालिकों का कहना था कि मिल मजदूरों को बारी बारी खुली हवा में घूमने दिया जाता है, हम उन्हें आराम करने का अवसर देते हैं। इस पर दीन बंधु में ज्योतिबा फूले ने जवाब दिया कि मिल मजदूर अगर मिल से बाहर आ जाता है तो हर मजदूर को इसके लिए 4 आना दंड दिया जाता है, आराम नहीं मिलता। छोटे छोटे बालक सारा दिन मिल में काम करते हैं। इन सारी शिकायतों की जांच करने के लिए 1775 में कमेटी बनी और उसके बाद दिन देश बंधु अखबार मजदूरों की आवाज का बुलंद आवाज बन के सामने आया। यानी किसान और मजदूर की बात करने वाला ज्योतिबा फूले क्या इस राष्ट्र के नायक के बतौर स्थापित हो पाया?
नहीं होने दिया गया, यह एक सबसे बड़ी बात थी। और 1880 में जाकर के उन्होंने मिल हैंड एसोसिएशन बनाई, जो हिंदुस्तान में मजदूरों की पहली एसोसिएशन थी। लिटन कमेटी बनती है और उसके सामने उन्होंने कहा, ज्योतिबा फुले ने, कि आपको गरीब किसानों और मजदूरों के लिए बात करनी होगी, और वह बात उन्होंने किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन को आगे बढ़ाया। हंटर कमीशन एक बहुत महत्वपूर्ण कमीशन है। हंटर कमीशन का जिक्र किए बिना ज्योतिबा फुले की बात करना अधूरा होगा। हंटर कमीशन एजुकेशन से जुड़ा हुआ था और अपने निवेदन में ज्योतिबा फुले ने जो बात लिखी थी, अगर आपने यह बात सुन ली ध्यान से, तो आप समझेंगे कि एजुकेशनिस्ट फुले सोचते क्या थे। सरकार कुछ ऐसे मधुर अपने सपने सजे हुए है कि ऊंचे तबके के लोग पढ़ लिख कर नीचे के तबके में जीने वाले निरक्षर लोगों में शिक्षा का प्रसार करेंगे। इस सुहाने सपने में खोई सरकार गरीब किसानों से जो लगान वसूल करती है, उस सारी रकम से हासिल की गई कमाई वरिष्ठ वर्ग के शिक्षित करने के लिए लुटाती है। सारे विद्यावान धनवानों के बेटों को शिक्षित करते हैं, उनकी भौतिक उन्नति में सहायक होते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे अमीर जादे विद्यालयों में सुशिक्षित होकर निकली संपन्न घरानों की संतानें अपने देशवासियों की उन्नति के लिए कभी कोई योगदान नहीं देते। इन विद्यापीठों से उपाधियां प्राप्त करके निकले नौजवानों ने आम जनता के लिए क्या किया? क्या उन्होंने खुद अपने घर पर या कहीं पर भी कोई पाठशाला शुरू की अनपढ़ अनाड़ी बांधवों के लिए? ये सारी बात उन्होंने लिखा, राष्ट्र के कल्याण की मुक्ति शिक्षा से होती है, इसलिए आप शिक्षित लोगों की जिम्मेदारी तय करिए। और देशबंधु में सवाल करके हंटर कमीशन के आगे रिप्रेजेंटेशन देते हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले एजुकेशन को मुक्ति का द्वार मानते हैं और एजुकेशन न मिलने को गुलामी का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। आपने कभी इस चीज को नहीं पढ़ने दिया गया। और उन्होंने कहा, इस सब पर ब्राह्मण का कब्जा है और ब्राह्मण कभी भी इन चीजों की वजह से कभी आगे एजुकेशन को फैलने नहीं देता है। किसानों को लगान वसूल करने की बात उन्होंने कहा कि आप किसानों के लगान वसूल करते हैं और उससे वसूल किए हुए पैसे को अपर कास्ट और ब्राह्मणों में खर्च करते हैं। किसान का पैसा 9/10 पैसा कभी भी किसान के ऊपर नहीं जाता, किसान भूखों मर रहा है वह आप नहीं करते। तीसरी बात शिक्षा से जुड़ी हुई यह है कि वो गवर्नमेंट एजुकेशन यानी पब्लिक फंडेड एजुकेशन की हिमायती थे, जिसे आप सरकारी स्कूल कहते हैं, और अंग्रेजों को बार बार कहते थे कि आप सरकारी हाथों में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा तीनों की बात करते थे, और वो कहते थे कि आप इनके हाथ में मत दीजिए जिन्होंने सदियों से हमें शिक्षित नहीं होने दिया। और यही बात आज भी चली आ रही है। आज जब मनुवादी रोस्टर की लड़ाई होती है, आज जब एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने की बात होती है, तो हम ज्योतिबा फुले को नहीं याद करते, जबकि हमें एक सबसे बड़ा एजुकेशनिस्ट अगर कोई मिला है तो ज्योतिबा फुले। प्रशिक्षित किसानों को प्रशिक्षित करने की बात करते हैं और कहते हैं कि जब आप किसान, मजदूर और कामगार जातियों को शिक्षित करेंगे तो वो अपने समाज में जाएंगे, अपने परिवार में जाएंगे तो महिलाओं को शिक्षित करेंगे, समाज में जाएंगे तो समाज के निचले तबके में एजुकेशन आएगी और पूरा राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए आप सरकारी शिक्षा दीजिए, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा सरकारी होनी चाहिए और वह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसको कभी पढ़ने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या में वृद्धि हो, साथ ही जिन पाठशालाओं में शिक्षक कम है शिक्षक दिए जाए और शिक्षकों को आर्थिक मदद की जाए। किसानों से जो लगान वसूल किया जाता है उसका आधा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च हो। कभी आपको पढ़ने दिया गया क्या कि किसान हितैषी किसानों के क्रांतिकारी नेता ज्योतिबा फुले हैं? कभी मजदूरों के क्रांतिकारी नेता नहीं बढ़ा दिया गया, इसलिए, और एजुकेशनिस्ट तो कभी होने नहीं दिया गया। तो प्राथमिक पाठशालाओं को सरकारी करने की बात, सिलेबस को लेकर के ज्योतिबा फुले बार बार कहते हैं कि सिलेबस हमारे जनजीवन के बीच का होना चाहिए और साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना चाहिए। दुनिया वैज्ञानिक प्रगति को पढ़ रही है और हम कर्मकांड पोंगा पंथ को पढ़ रहे हैं, तो हम कौन सी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं? उच्च शिक्षा में कहा गया कि विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए हर एक बड़े जगहों पर। बंबई विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि आपको देश भर के बड़े बड़े हिस्सों में विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, और उन्होंने उदाहरण दिया था कि आप इतनी आबादी पर इतना कम शिक्षण संस्थान है तो पढ़ाई होगी ही नहीं, इसलिए हर जगह पर एजुकेशन बनाया जाए। और उस एजुकेशन में हंटर कमीशन सामने उन्होंने रिपोर्ट में दी कि बालिकाओं को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए, किसानों को शिक्षा दी जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने
शेतकार्याचा आसूड नाम से एक किताब लिखी, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया किसान का कोड़ा। किसान का चिंतक था, किसान नेता था ज्योतिबा फूले जैसा नायक। हमने किसानों के बारे में ज्योतिबा फूले को न पढ़ने दिया गया न पढ़ाने दिया गया। किसान के कोड़ा में वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि ये जो कामगार जातियां हैं, बिन विद्या है मति हिरानी, मत के बिना है नीति गई, नीति नहीं तो गति हो कैसे, बिना गति के दौलत न रही, बिन दौलत टूटा शूद्र का जीवन, हाय एक अविद्या से विपदा कैसे विपट बढ़ी। और किसानों के एजुकेशन की बात करने वाला नायक हमारे सामने ज्योतिबा फूले। तीन तरह के किसानों की बात करते हैं, कुनबी, माली और धनगढ़। और उन्होंने कहा कि कुछ के पास जमीन थी, कुछ के पास जमीन के साथ पशुपालन था, और कुछ के पास कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ से वंचित थे। तो शूद्र और अति शूद्र, ओबीसी एससी एसटी तीनों को एक होकर के शूद्र और अति शूद्र मानते हैं। तो ओबीसी भाइयों, कम से कम ज्योतिबा फूले को पढ़ लो भाई। आप गोलवलकर, हेडगवार और गोडसे और सावरकर से नहीं लड़ पाएंगे, गुलाम रह जाएंगे, जिसकी बात उन्होंने तब कही थी। और मैं आता हूं इस पर कि गुलामी की बात क्या कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि लुहार, कुम्हार, बढ़ई, नाई, कामगार, इनके लिए जुलाहा, लुहार, काश्तकार, इनके पास सारा संसाधन कब्जा है ब्राह्मणों के पास, तो ये दुनिया की सबसे निकृष्ट और कमजोर जातियां हो गई। और ब्राह्मणों ने एक और काम क्या किया कि इनको विदेश नहीं जाना है तो टेक्निकल एजुकेशन नहीं आ पाई, और जो पतन था अशिक्षा के जरिए, संसाधनहीनता के जरिए, उसको ब्राह्मणवादी शास्त्रों के थोप देने से इनको आपस में लड़ाया। और ये कहा कि तुम ब्राह्मणवादी शास्त्रों का विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उस ढोंग ढकोसले में इन लोगों ने अपना पूरा पतन कर दिया और पूरे जीवन ब्राह्मणों की चापलूसी में लगा दिया। और वो ब्राह्मण शास्त्रों की चापलूसी के जरिए सारी चीजों पर हम कब्जा किए हुए थे। और इसलिए किसानों की बात करते हुए ज्योतिबा फूले स्पार्टा के वीरों को याद करते हैं और कहते हैं कि हम कामगार जातियां हैं, हम इस देश को, दुनिया को बनाने वाले हैं, और हमें स्पार्टा के वीरों की तरह लड़ करके अपने इस देश को गणतंत्र बनाना है, डेमोक्रेसी। इसकी बात करने वाला कभी हमारे सामने नायक नहीं बनाने दिया गया। और उसके बाद इनको किस तरह से उपेक्षित किया गया, किसान मजदूर की बात जब हुई तो उसको उन्होंने, हमें पढ़ने नहीं दिया गया। और 57 के विद्रोह की बात हो गई। और इसके बाद एक चीज और जो है वो कह करके मैं अपनी बात को आगे ले चलूंगा। जब सत्यशोधक समाज बना तो सत्यशोधक समाज का प्रमुख काम यह हुआ करता था कि वो हर तरह के ब्राह्मणवाद के खिलाफ, उस पूरी सत्यशोधक समाज की बुनियादी किताब बनी गुलामगिरी। गुलामगिरी 1873 में लिखी गई। गुलामगिरी में होमर का उस समय की किताब का कोटेशन है, द डे दैट रिड्यूस अ मैन टू स्लेवरी टेक्स फ्रॉम हिम द हाफ ऑफ हिज वर्च्यू। यह किताब पहले अंग्रेजी में लिखी गई थी और इसका नाम था स्लेवरी। और इस किताब की एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इस किताब को लोक हितार्थ लिखा गया, और शायद आप उल्टा देख पा रहे होंगे, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं। इस किताब की कीमत 12 आने रखी गई और इसके नीचे लिखा गया, गरीब शूद्रा अति शूद्रांश 6 आने, यानी गरीब शूद्र अति शूद्रों को 6 आने में गुलामगिरी पढ़ने को मिला। तो इस गुलामगिरी को उन्होंने 1873 में पूरा किया। और इसको समर्पित किसे किया, यूनाइटेड स्टेट्स के उन महान लोगों के सम्मान में जिन्होंने निग्रो लोगों को गुलामी से मुक्त कराने के कार्य में उदारता, निष्पक्षता और आत्मत्याग का परिचय दिया। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे देशवासी उनके इस सराहनीय कार्य का अनुकरण करके अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणी जाल से मुक्त कराने में अपना सहयोग करेंगे। पूरी पूरी की पूरी किताब गुलामगिरी, स्लेवरी यानी मानसिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति की एक बात कहती है। कुछ बुनियादी दिक्कतें हो सकती हैं इस किताब में,
जिसको हम अलग से एक विमर्श के तौर पर कुछ एक दो चीजों से असहमत हो सकते हैं आज हम ज्योतिबा फूले को पढ़ते हुए, लेकिन इस किताब को क्यों नहीं पढ़ने दिया गया? इस किताब में विष्णु के जितने अवतार थे, संवाद शैली में वही घोंडीराव कुमार जो ज्योतिबा फूले को मारने के लिए उनके घर पे गए थे, वो बाद में उनके शिष्य हो गए, उन्हीं से संवाद की शैली में घोंडीराव ज्योतिराव का संवाद है। परिच्छेद है ब्रह्मा और आर्यलोक, मत्स्य और शंखासुर, कच्छ और समुद्र, वराह और हिरण्यकश्यप, नृसिंह, वामन, परशुराम और इन सारे राजा बलि से लेकर के तमाम। तो विष्णु के जितने नायक थे उनकी धज्जी उड़ाने का काम गुलामगिरी में अपनी कल्पनाशील मिथकीय शैली को इस्तेमाल करते हुए ज्योतिबा फूले ने किया है। मैं और इसके आखिरी हिस्से में इस किताब के 10वें-11वें परिच्छेद के बाद जब मिथकों का ब्राह्मणवादी मिथकों का खंडन होता है, तो उस खंडन को पूरी शैली यह है कि यह जो मिथकों के चरित्र हैं, विदेशी आर्यों के आने के बाद यहां के मूल निवासियों के जो राजा थे उनके खिलाफ एक राजा का संघर्ष है, और यह संघर्ष किसान मजदूर जातियों पर कब्जे का संघर्ष है, और इस संघर्ष में झूठी कथाओं के जरिए इसको मेंटल हेजमनी में क्रिएट किया गया ताकि आप इसका विरोध न करें, और संसाधनों पर कब्जे की पूरी परंपरा स्थापित हो गई। इस पूरी शैली में यह लिखा गया है। और दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा का मजाक बनाया गया। ब्रह्मा को तो इतना बुरा, इसमें पहले ही चैप्टर में कहा गया है, मैं उस पर आता हूं अभी, कि आप खंभे से बच्चे को पैदा कर रहे हैं, तो बच्चा पैदा होने के बाद कहां खंभे का स्तन था कि वो मां का दूध पीता। मुख से पैदा होते हैं, भुजा से पैदा हो रहे हैं, तो मुख से पैदा होने पर 9 महीने जो गर्भ धारण था तो वो कहां हुआ था? कैसा कैसा मिथक आपने लिख करके भर दिया। और उन्होंने कहा ब्रह्मा खुद अपनी बेटी का बलात्कार करने वाला, कैसे कैसे लोग। और इससे क्या हुआ कि इस झूठ को जब शूद्र और अतिशूद्र मानने लगे और मनवाया गया तो यह स्थापित हो गया। तो ब्राह्मणवादी धर्म के पोंगापंथी कर्मकांडी अतार्किक निहायत वाहियात चीजों का खंडन गुलामगिरी में, और इसी शैली में लिखा गया कि वराह अवतार है तो सुअर का अवतार, सुअर का यह काम है तो वो तो मनुष्य कैसे हुआ, वामन अवतार है तो वामन कहां है, उसके बाद नृसिंह अवतार है तो खंभे से कैसे पैदा हो गए। और जहां जहां जो कृषक नेता थे, कृषक राजा थे, कामगार राजा थे, श्रमिक राजा थे, उनको राक्षस बना दिया गया। दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड, उन्हें आपने दैत्य कह दिया, उन्हें आपने राक्षस कह दिया, तो ये डिस्कोर्स है, तो आपके राम कहा जाएंगे। और गेल आम्वेट का वो लेख आपको जरूर पढ़ना चाहिए, महात्मा बनाम महात्मा, आपका राम राज्य है। और यहां पर देखिए ज्योतिबा फूले ये कह रहे हैं कि आपने यहां के मूल निवासियों को तो मनुष्य ही नहीं समझा, और निहायत वाहियात अतार्किक चीजों को आपने हमारे ऊपर थोप करके हमें मानसिक रूप से गुलाम बना दिया, और उस गुलामी को स्थापित रखने के लिए क्या किया, हमें शिक्षा से दूर कर दिया, नौकरी से दूर कर दिया, और आज तक हम गुलाम बने हुए हैं। तो इस गुलामगिरी को घर घर पढ़ाइए, मिथकों को मिथकों से काउंटर किया है। और इस गुलामगिरी के आखिरी हिस्से में म्युनिसिपालिटी में और नगर पालिका में शिक्षा में किस तरह से आधुनिक शिक्षा आने के बाद भी ब्राह्मणवादी वर्चस्व, इसको भी काउंटर किया गया। और आखिरी में जाके वो टर्म इस्तेमाल करते हैं ब्राह्मण पुरोहित, ये नेक्सस है जो क्षत्रिय और वैश्य के साथ मिलकर के सारे संसाधन शिक्षा सब कुछ पर कब्जा किया हुआ है। शूद्र और अतिशूद्र, SC ST OBC, ये तीनों जातियां एक साथ इन सबसे वंचित हैं। तो आपको शिक्षा से वंचित किया गया, और गुलामगिरी में आखिरी में कहा जा रहा है जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप अपने मिथकों पर, झूठे मिथकों पर कब्जे करके ब्राह्मणों के मानसिक गुलाम बने रहेंगे, तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है। और जब आपकी मुक्ति संभव नहीं है, आपकी डिग्निटी नहीं होगी, आपका स्वाभिमान नहीं होगा कि आप मनुष्य हैं। और जब आपने अपने आप को मनुष्य ही नहीं समझा तो आप एकजुट कैसे होंगे। और इसके लिए इस पूरी गुलामगिरी में यह कहा गया है कि छोटी छोटी जातियों को आपस में लड़ाया गया, कुर्मी लोहार से, लोहार बढ़ई से, बढ़ई जुलाहा से, जुलाहा मौर्या से, कुशवाहा से, और किसान जातियों से, और सब मिलकर के अछूत से। ज्योतिबा फूले कहते हैं नेक्रो से सीखो, और सब मिलकर के ब्राह्मणवादी शास्त्रों और वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त कर दो,
तब तुम्हारी मुक्ति मिलेगी, तब तुम गुलामगिरी से मुक्त होगे, वरना तुम मानसिक रूप से गुलाम थे, हो और बने रहोगे। और तब मैं इसका अंश पढ़ने के पहले बस आखिरी बात कह दूं, उन्होंने कहा था कि व्हाइट्स ने निग्रो के लिए आंदोलन आगे आगे किया, हमारे यहां ब्राह्मण तो हमारे जाति के खिलाफ, जाति उन्मूलन के आंदोलनों के खिलाफ खुद खड़े हो गए, जैसे इनको जीवन भर जीने नहीं दिया, हमले कराए, जान से मारने के हमले कराए और आखिरी तक इनको उपेक्षित किया। आजाद हिंदुस्तान में जब इतिहास लिखा गया तो ज्योतिबा फुले इतिहास से गायब कर दिए गए, ज्योतिबा फुले को छोटा सा एक हिस्सा सत्य सुधारक समाज चलाने वाले समाज सुधारक बनाया, इसलिए क्योंकि ब्राह्मण खुद आगे आकर के जाति व्यवस्था को टूटने की बात नहीं करते हैं। गुलामगिरी में ये कहते हैं कि शूद्रों और अति शूद्रों, आज की भाषा में मैं कहूं तो ओबीसी, मौर्या, कुशवाहा, पटेल, नाई, बढ़ई, कुमार और उसके बाद शूद्रों में एससी एसटी तमाम जातियां, आप लोग आज इसलिए लड़ रहे हो कि आप में कौन ऊपर है, कौन क्षत्रिय है, कौन क्षत्रियों का बिछड़ा हुआ भाई है। और ज्योतिबा फूले से लेकर के अंबेडकर, बीपी मंडल तक कह रहे हैं, ना आपको कभी शिक्षा मिली, ना आपको कुछ मिली, और गुलामगिरी के 15वें और 16वें अनुच्छेद में तो वो आके कह रहे हैं मुक्ति तुम्हारी तब होगी जब तुम शिक्षित होगे, संसाधनों पर हिस्सेदारी करोगे, और इसके लिए तुम्हें मानसिक गुलामी से मुक्ति होगी, और मानसिक गुलामी के लिए क्या है, शास्त्रों की गुलामी को तोड़ो, हिंदू धर्म तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए ज्योतिबा फूले को इतिहास में दबाया गया कि इस क्रांति को रोका जा सके। इसलिए मेरा मानना है कि इस किताब को आपको घर घर पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए कि गुलामगिरी में गुलामी का मतलब क्या है। मैं अब इसके तमाम हिस्सों में से जो भूमिका है उसके कुछ बेहद जरूरी हिस्से आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। जब से देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई तब से लगातार शूद्र अति शूद्र अछूत समाज के लोग जुल्म और शोषण के शिकार होते हैं। ये लोग हर तरह से यातनाएं झेल रहे हैं, इन लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए, इनके आगे ये लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म से कैसे मुक्त कर सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य यही है। कहा जाता है कि इस देश में पुरोहितों ब्राह्मणों को सत्ता पर काबिज हुए लगभग 3000 साल से भी ज्यादा समय हो गया। वे लोग परदेश से यहां पर आए, उन्होंने यहां के मूल निवासियों पर हमले करके इन लोगों को अपने घर द्वार और जगह जमीन जायदाद से भगा दिया और इन सभी को अपना गुलाम बनाया। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों को बीते साल की घटनाओं की विस्मृतियां हुई देखकर कि हम परदेश से आकर यहां के मूल निवासियों को घर बार जमीन जायदाद से खदेड़ कर इन्हें अपना गुलाम बनाए, इन बातों के प्रमाण को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने तहस नहस कर दिया, यानी इतिहास बदल दिया गया। आज आप इसीलिए तो कभी कभी खुद को छत्री कहते हो, कभी कुमार, लुहार, बढ़ई, नाई आपस में कहते हैं हम तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हम तुमसे बड़े हैं, ओबीसी कहता है मैं एससी से आगे हैं। यही तो किया कि उन्होंने इतिहास बंद कर दिया। और परशुराम जयंती अभी हुई थी ना, इन्होंने कहा परशुराम को इतनी बार हुई, परशुराम को पढ़िएगा कितनी धज्जी उड़ाई है, और कहा गया कि आप अपने इतने झूठ और वाहियात चीजों को शास्त्रों में लिख दिए, स्मृतियों में लिख दिए और हमारे संघर्ष को गायब कर दिया। हिरणों का इतिहास शिकारी नहीं लिखते। ब्राह्मणों ने सोचा हमारा प्रभाव और वर्चस्व इन लोगों के दिलो दिमाग पर रहे और जिससे हमारा स्वार्थ फलता फूलता रहे, इसलिए उन्होंने कई तरह के हथगंडे अपनाए और वे सभी इसमें कामयाब भी रहे। आज भी तो कामयाब है, आजादी के 70 साल बाद ब्राह्मण कामयाब है। मैं अब ब्राह्मण को ब्राह्मणवाद कह रहा हूं, आज भी आपको आपस में लड़वा रहा है और आपको शिक्षा से, संसाधन से, किसानों को, मजदूरों के सवालों से बाहर किए हुए। ज्योतिबा फूले तब लिख रहे थे क्योंकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए थे और बाद में ब्राह्मण पुरोहितों ने इन्हें ज्ञानहीन बुद्धिहीन बना दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के दाव पेच इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आ सके। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम किया और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाए रखने के लिए केवल निजी हितों के मद्देनजर रखकर कई बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल कर दी। आज आप उनकी पूजा कर रहे हैं, आप रामायण महाभारत बैठ के देख रहे हैं अपने घरों में, दलित पिछड़े आदिवासियों, आप अपने मसीहाओं को पढ़ते नहीं, ये मानसिक गुलामी है और आप गुलाम है अकॉर्डिंग टू ज्योतिबा फूले। फूले को नहीं पता था कि इतने साल बाद भी आप गुलाम रहेंगे।
उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त है वे सब ईश्वर द्वारा प्राप्त है। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के शूद्र अति शूद्रों में मानसिक गुलामी के बीच बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्मा के द्वारा पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि वे ब्राह्मणों की सेवा में हमेशा लगे रहे और पुरोहितों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते और ऐसा करने से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे और अपना जीवन सार्थक बनाएंगे। तो ओबीसी सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं, अपने यज्ञ हवन करा रहे हैं, भाई करो। आपके महानायक ये कह रहे थे कि ये ब्राह्मणों की साजिश है कि तुम उनके गुलाम हो, मानसिक गुलाम हो, और आज आप भी गुलाम है। पढ़ो ना भाई, गुलामगिरी तो पढ़ लो। लेकिन उनके इन ग्रंथों के बारे में किसी ने कुछ सोचा होता कि यह बात कहां तक सही है, वे अधिकार क्या ईश्वर द्वारा प्राप्त है, तो उन्हें इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाती है। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के भाई हैं जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है क्योंकि उन्होंने शूद्रों अति शूद्रों को पूरी तरह तबाह कर दिया। आज हम बच बच के सोशल जस्टिस की बात करते हैं और आज हम ब्राह्मण हैं तो हम तुरंत आहत हो जाते हैं कि ब्राह्मण को गाली दे रहा है। परंपराएं शोषक बनाम शोषित की हैं। अगर आप कम्युनिस्ट हैं तो आपने ज्योतिबा फुले को कभी कम्युनिज्म के लिहाज से क्यों नहीं देखा? किसान नेता हैं तो आपने किसान नेता के रूप में कभी क्यों नहीं पढ़ा? मिल श्रमिकों की बात, तो ज्योतिबा फुले ने मिल एसोसिएशन बनाई, डांगे को क्यों नहीं चिंता हुई कि ज्योतिबा फुले को याद करें? सीपीआई सीपीएम कहां गए थे? आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ पढ़ रहा हूं और उसके बाद इसके कुछ हिस्सों को और पढ़ूंगा। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों के द्वारा जगह जगह पर बारी बारी अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से इनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति आस्था उत्पन्न होती रही। इन लोगों को उन ब्राह्मणों ने इनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है वही भावना ब्राह्मणों को समर्पित करने को मजबूर किया। यह कोई साधारण या मामूली अन्याय नहीं है। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह से पकड़ जमाए हुए है कि ये अमेरिका के काले गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा उनसे लड़कर मुक्त होने की बजाय हमें आजादी दे रहे उन लोगों के विरुद्ध फजूल में कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। आप कह सकते हैं कि ये कुछ जगह पे ज्योतिबा फुले अंग्रेजों के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले तो खुल करके कह रहे हैं कि हमारे लिए तो ब्राह्मण हजारों साल से हमें गुलाम बनाए हुए थे, तो हमें पहली बार शिक्षा के जरिए मुक्ति की बात करने वाले तो अंग्रेज थे। तो ये बात ये कह रहे हैं और ये इनकी पॉलिटिकल टैक्टिक्स है। लेकिन एक जगह भी ज्योतिबा फुले ने अंग्रेज राज को बनाए रखने की बात नहीं की। आप उन्हें अंग्रेज परस्त कैसे कह सकते हैं? देश बंधु के लेख में हजार जगहों पर ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि अंग्रेज राज बहुत शोषक है, क्योंकि यह देखने वाला चेहरा कुछ और करता और बाहर कुछ और है। तो आप टोटली कभी एनालिसिस किया नहीं गया। हर मनुष्य को आजादी मिलनी चाहिए, गुलामगिरी पढ़िए, यही इसकी बुनियादी जरूरत है। जब व्यक्ति आजाद होता है तब उसके अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब उसे आजादी नहीं होती तब वह वही महत्वपूर्ण विचार जनहित के होने के बावजूद दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता और समय गुजर जाने के बाद वे विचार लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य आजाद होने से वह अपने सभी मानवीय अधिकारों को पा लेता है। जितने सोशल जस्टिस के नायक हैं वो राइट्स की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं। उन तमाम मानवीय अधिकारों को ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग ने कब्जा किया है। अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकारों को छीनने में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। सभी को आजादी देकर उन्हें गुलामी से सभी को आजादी देकर के, यह है सोशल जस्टिस, यह है फूले अंबेडकर पेरियार। आप उन्हें जातिवादी बोलते हो? सभी को आजादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही इनका सबसे इस हर तरह से खतरे मूल लेने के उद्देश्य है। दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के गुलामों की तुलना करते हुए गुलामगिरी लिखी गई है। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज अमेरिकी और उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़कर अपने नुकसान की बात तो दूर, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट कर देने के लिए
और असंख्य गुलामों को उनके परम प्रिय माता पिताओं से, भाई बहनों से, बीवी बच्चों से, दोस्तों मित्रों से जुदा कर देने की वजह से जो यातनाएं सहनी पड़ी उससे उन्हें मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। अमेरिका और अफ्रीका, हमारे यहां क्या हुआ, ब्राह्मणों ने जाति खत्म करने का एक भी आंदोलन नहीं किया। जाति पात तोड़क मंडल की बात भाग एक में हमने कर ली है। अंबेडकर ने जाति का विनाश में कहा कि आप फेक हैं, जाति तोड़ने की बात नहीं करते। फूले क्या लिखते हैं, गुलामी की अवस्था में गुलाम लोगों को गुलाम जातियों की यातना बर्दाश्त करनी पड़ती है। कितनी सारी यातना, उसका स्वयं अनुभव किए बिना अंदाजा नहीं लगाया सकता, जो सहता है वही जानता है। और उसके बाद ज्योतिबा फूले विस्तार में ये कहते हैं कि अब हमें महिलाओं की मुक्ति, शूद्रों अतिशूद्रों की मुक्ति, कामगार श्रमिकों किसानों की मुक्ति की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जो लड़ाई मानसिक गुलामी से मुक्त हुए बिना नहीं लड़ी जा सकती, और मानसिक गुलामी किस तरह से हमारे सामने ये है। और उसके बाद फिर इस पूरे मिथक में एक महत्वपूर्ण बात आती है, आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्र अतिशूद्रों की संख्या तकरीबन 10 गुना से ज्यादा है, फिर भी ब्राह्मणों ने अतिशूद्रों शूद्रों को कैसे मटियामेट कर दिया, कैसे गुलाम बना दिया। इसका जवाब यह है कि एक बुद्धिमान चतुर आदमी 10 अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग को अपने पास गिरवी रख सकता है, और दूसरी बात यह है कि वे 10 अनपढ़ लोग यदि एक ही मत के होते तो उन्होंने उस बुद्धिमान चतुर आदमी की दाल न गलने दी होती। तो ओबीसी एससी एसटी एकमत हुए नहीं हुए, धार्मिक सांस्कृतिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, लड़वाने वाला कोई और आप आज लड़ते रहो। फूले कह रहे थे यदि एक ही मत के ये अनपढ़ 10 लोग होते उन्होंने उस बुद्धिमान चतुर आदमी की दाल न गलने दी होती, एक न चलने दी होती, किंतु ये 10 लोग 10 अलग अलग मतों के होने की वजह से ब्राह्मणों पुरोहितों जैसे धूर्त पाखंडी लोगों के जाल में फंस गए। उन धूर्त पाखंडियों को इन 10 भिन्न भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कठिनाई नहीं हुई। उसी तरह शूद्रों अतिशूद्रों की विचार प्रणाली एक दूसरे से मिल न करे इसलिए प्राचीन काल के ब्राह्मण पुरोहितों ने बहुत बड़ी धूर्ततापूर्ण और बदमाशी भरी विचारधारा खोज ली, और उन्होंने प्रेम करने की बजाय जहर के बीज बोए, और फिर पूरी गुलामगिरी में ब्रह्मा बराह नरसिंह वत्स मत्स इन सारे मिथकों को खारिज किया और कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि आप मुक्ति की लड़ाई लड़िए। तो आप एक एक करके एक एक परिच्छेद पढ़िए। पहले परिच्छेद में ब्रह्मा की ऐसी तैसी करना, कितना चरित्रहीन व्यक्ति था, कितना बुरा काम करता था, फिर भी इसे मसीहा बनाया गया, और कहा गया कि ब्रह्मा विराट पुरुष के मुख से वो गर्भधारण कहां हुआ। सवालों को सोचिए, पैर से कैसे पैदा हुए इनको सोचिए, मछली से कैदा पैदा हुए मत्स्य, और उन्होंने कहा मछली अंडा कहां देती है, गर्भधारण कहां करती है, कैसे गर्भधारण हुआ, मछली से मनुष्य कैसे पैदा हुआ। परिच्छेद दो, मूर्ख लोग, इन्होंने कहा है कि मूर्खों को गुलाम बनाने के लिए यह सब किया गया। परिच्छेद तीन, फिर से कच्छप और इसके बारे में धज्जी उड़ाई। परिच्छेद चार, वरा और हिरण्यकश्यप खंभे से कैसे पैदा हो गए भाई तुम्हारे जैसे लोग, और ज्योतिराव घोंडीराव को कह रहे थे तुम्हारे ही जैसे लोग इस तरह के झूठ मूठ के ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के और उनकी संतानों के पांव को धोकर पीते हैं और आज भी पी रहे हैं। अब तुम ही बताओ इसमें तुम निर्लज्ज हो। अभी अनुच्छेद पांच निरसंग और नृसिंह की बात करते करते वो कह रहे हैं कि किस तरह से गर्भधारण करने की पूरी प्रक्रिया के खिलाफ जाकर के अप्राकृतिक ढंग से कोई पैदा कैसे हो सकता है भाई। परिच्छेद छह, वराह को लिखा है गलीच गेंडा, ये तेवर था, ये हिम्मत थी ज्योतिबा फूले की। परीक्षित है गुलामगिरी, और उन्होंने कहा कि कृषक जातियों से किस तरह से किसानों से लड़ करके इसने उनको कब्जे में किया, और फिर से ताकतवर लोगों ने बलि को हराया। बाणासुर और वराह का वामन का पूरा जिक्र किया है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कितना हिंसक काम किया है। जो गुलामगिरी में ज्योतिबा फूले बार बार ये कहते हैं पूरा हिंदी माइथोलॉजी हिंसक है, हत्या बलात्कार इन सब पर चल रही है। परीक्षित सात, ब्रह्मा को राजा कह रहे हैं, और इस राजा को क्या कह रहे हैं,
ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दफ्तरी ही सारा राज संभालने लगा। वह एक बड़ा अवसरवादी था, चतुर, हठीला, धूर, दुस्साही, निर्दयी ब्रह्मा। और राक्षसों की बात यहां पर की कि किस तरह से कृषक जातियों, महार जातियों, कामगार जातियों के तमाम चीजों को लेकर के कब्जा किया। और शिवाजी का जिक्र आता है कि शिवाजी ने किस तरह से इस चीज को समझ करके इन जातियों को पहली बार शस्त्र देकर के अपने सेना में शामिल किया था। परिच्छेद 8 में आकर के वो परशुराम की धज्जी उड़ाते हैं, गुलामगिरी, परिच्छेद 8। और परशुराम को कहते हैं कि यह दैत्य था और इस दैत्य को किस तरह से शास्त्रों में पूजा जा रहा है। और परशुराम पर ज्योतिबा फूले एक सवाल पूछते हैं कि परशुराम, तुम अगर इतने हिंसक थे तो इतने हिंसक मां के हत्यारे, क्षत्रियों के विनाशक को कोई विष्णु का अवतार कैसे कह सकता है और कैसे इसकी पूजा हो सकती है? परिच्छेद 8, परशुराम पढ़ना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने परशुराम की धज्जी उड़ाई है कि आज तुम्हारे जैसा हत्यारा और दैत्य नहीं होना चाहिए। परिच्छेद 9, इसमें नारद की बात की गई है और कर्म कांड को जादू टोने से जोड़ करके कैसे मानसिक गुलामी बनाई है। परिच्छेद 10 में शंकराचार्य की बात की गई है और शंकराचार्य ने किस तरह से शास्त्रों और धर्मों की बात की। अब यहां से इंटरेस्टिंग शिफ्ट आता है गुलामगिरी में और कहते हैं कि ब्राह्मणों को एक लिमिट के बाद यह लगने लगा था कि अब ये अतार्किक बात नहीं चलेगी। आधुनिक ज्ञान विज्ञान आ रहा है, आधुनिक शिक्षा आ रही है, तो ब्राह्मणों ने एक बहुत बड़े तबके को आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के जरिए सरकारी नौकरी की तरफ भेज दिया और क्लर्क और बाबू बनने लगे। इसीलिए परिच्छेद 11 में आकर के वो ब्राह्मणों को कलम कसाई बोलते हैं। इन्होंने कहा कि अधर्मी मदारी और झगड़ालू पूर्वजों ने इस देश का विनाश किया और इन कलम कसाईयों ने इस देश के कामगार लोगों को पढ़ने नहीं दिया और इनको मानसिक गुलाम बनाया और अपने अतार्किक ढोंग ढकोसले के ग्रंथों को थोप दिया। ठीक है, इस पूरे परिच्छेद 11 में यह बात कही गई। ब्राह्मणों की गुलामी से शूद्रों की मुक्ति के लिए अमेरिकी और अग्रज भाइयों के साथ जो दोस्ती होने जा रही है उसको कुछ दखलंदाजी की कोशिश करनी चाहिए। अब हमें उनकी गुलामी से मुक्ति चाहिए, हम भी चाहते हैं गुलामी से मुक्ति। परिच्छेद 12 कि इसमें जो शिक्षा विभाग आया, परिच्छेद 12, 13 और 14 में ये कहते हैं कि थॉमस पेन का जिक्र करते हैं। थॉमस पेन को अम्बेडकर और फूले का एक वैचारिक गुरु भी माना जाना चाहिए, मानते हैं। और उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षा को सरकारी होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए और सबकी बराबरी की बात करनी चाहिए ताकि वो जो मानसिक गुलामी है, सांस्कृतिक गुलामी है, इस गुलामी से शूद्र, अतिशूद्र, किसान, ओबीसी, एससी, एसटी सब मुक्त हों और पाठ्यक्रम ऐसे बने कि उनके लिए क्रिएटिविटी हो और उनसे फिर नौकरियां जो मिले उन नौकरियों में सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सेकंड लास्ट में वो ज्योतिबा फूले लिखते हैं कि सब कुछ सरकारी हाथों में होना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण फिर से कब्जा कर लेगा अगर यहां के लोगों को देंगे और ब्राह्मणों के कब्जे के चलते वो फिर शूद्रों और अतिशूद्रों के हाथ से बाहर हो जाएगी, शिक्षा और गुलामी से मुक्ति। परिच्छेद 16 इसका अंतिम परिच्छेद है और उसमें उन्होंने कहा कि हम गोंडिबा क्या कहते हैं कि आपके साथ जो संवाद हुआ इससे यह सिद्ध हुआ कि सभी ब्राह्मणों ने अपने नकली धर्म के नाम पर अपनी भोली भाली सरकार की आंखों में धूल झोंकी है और हम सभी अछूतों का अमेरिका के काले गुलामों से भी ज्यादा शोषण किया है और आज भी कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर इन ब्राह्मणों के बनावटी धर्म का विरोध करना चाहिए और अपने अनपढ़ भाइयों को भी इस संबंध में जागृत करना चाहिए। अब इस बारे में सोच नहीं रहे, सोचना जागृत करना है। और फिर ज्योतिराव एक वाक्य कहते हैं, शूद्रों को ब्रह्म राक्षसों की गुलामी से इस प्रकार मुक्त होना चाहिए, शीर्षक से इसको लिखा जाना चाहिए कि हम चार बातें इस किताब के अंत में कहते हैं कि हम धर्म ग्रंथों का निषेध करेंगे, सभी धर्म ग्रंथों को निषेध करेंगे क्योंकि मानसिक गुलामी बनाते हैं। हम एक नई सोच पैदा करेंगे जिसमें कोई नीच और ऊंच नहीं होगा, सब बराबर होंगे। तीसरी बात कहते हैं कि हम सबको बराबर मान करके सबके साथ खाना पीना और सबके साथ रहने की बात करेंगे। और चौथी बात कि हम अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त होने की इच्छा रखने पर सबको जोड़ने का और एक बड़ी एका बनाने का काम करेंगे। तो ज्योतिबा फूले इस पूरी एका बनाने के क्रम में
आखिरी वक्त में अपने जीवन में लकवे का शिकार होते हैं और आखिरी में सार्वजनिक सत्य करके एक किताब लिखते हैं और उनकी आखिरी किताब है जो सार्वजनिक सत्याचरण धर्म है, उसको लेकर के उन्होंने वो किताब लिखी। और उसके बाद ज्योतिबा फूले की मृत्यु होती है 1890 में, 63 वर्ष की उम्र में, बहुत कम उम्र में ये चले गए। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लिया, मैं फिर से अपनी बात को समराइज करता हूँ। ज्योतिबा फूले को एक एजुकेशनिस्ट, मॉडर्न थिंकर के रूप में वर्ल्ड नॉलेज के लिहाज से भारत के राष्ट्र निर्माता की जगह देनी होगी, एजुकेशनिस्ट। दूसरी बात कि जेंडर इक्वलिटी की लड़ाई, जेंडर जस्टिस की लड़ाई, सोशल जस्टिस की लड़ाई में कितनी जरूरी है, इसको ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर के अकेले सिद्ध करते हैं। और विधवाओं के विवाह और स्कूली शिक्षा, लड़कियों के लिए शिक्षा से लेकर के महिलाओं के लिए जाने कितना काम, जेंडर जस्टिस में ज्योतिबा फूले को जगह देनी होगी। तीसरा, किसानों और श्रमिकों के आंदोलनकारी नेता के रूप में, जिसमें राइट लेफ्ट और सेंटर सबने धोखा दिया है सोशल जस्टिस के नायकों के साथ, किसान नेता और मजदूर नेता ज्योतिबा फूले को एक छवि के रूप में आपको पढ़ना होगा। चौथी बात, गुलामगिरी यानी मानसिक गुलामी, कल्चरल हेजिमनी, कल्चरल स्लेवरी, और इसको कल्चरल हेजिमनी को ब्राह्मण शास्त्रों के ध्वस्त करने के साथ हमें पढ़ना होगा। पांचवी बात, किसान मजदूर श्रमिक कामगार और अछूत जातियों की एका की बात करके वो इक्वलिटी की बात करते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सबकी बराबरी की हिस्सेदारी, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, और इसी वजह से वो निग्रो और उन तमाम लोगों के साथ भारत के गुलामों को जोड़ते हैं। तो आज एससी एसटी ओबीसी को अगर एकजुट होना है, ब्राह्मणिकल हेजिमनी को चैलेंज करना है, तो उन्हें अंबेडकर के साथ पेरियार और फूले को पढ़ना होगा। ज्योतिबा फूले जैसे डॉक्टर अंबेडकर अपना गुरु मानते थे, उनको पढ़ना होगा। धनंजय कीर की जीवनी पढ़िए, ज्योति चरित्र पढ़िए, एनबीटी से किताब आई है, गुलामगिरी को हर घर में हर जगह पढ़ाइए, यही पढ़ाई मुक्ति देगी, जिसके लिए ज्योतिबा फूले ने तब बोला था। और ओबीसी एससी एसटी कम से कम अगर एकजुट नहीं हुए तो आप कभी बच नहीं पाओगे, आपने एजुकेशन नहीं पाई, इसलिए आप उस ब्राह्मणिकल ऑर्डर में खुद को अपने से नीचे वाले से ज्यादा बड़ा मानते हैं। किसान नेता ओबीसी जो नायक है वो आपका, उसको तो पढ़िए। ज्योतिबा फूले शूद्र अति शूद्र के खेमे में आपको रखते हैं और आपकी मुक्ति के लिए ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्रों और हेजमनी से मुक्ति की बात करते हैं। और इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं, पंवाड़ा जिसे कहते हैं मराठी में, उन्होंने अभंग और पंवाड़े लिखे हैं। कई पंवाड़े तो विवाह के गीतों में गाए जाते थे जब शतशुधक समाज पंडित पुरोहितों को बाहर करता था। इन पंवाड़ों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कहता हूं मैं अपने अनुभव की बातें, कहता हूं मैं दिल से अपनी बातें, सब जाति के लोगों को चुन लो, दो सबको संख्या के बल से, सबका काम अलग अलग तय कर लो, अनुदित है इसलिए ऐसा होगा, सबके सुख का साधन। मैंने गलती से अवगत कराया, एक जाति के खतरे से जगाया, शूद्रों को मैंने बंद दरवाजे दिखलाया, एक जाति के सब मिलकर देश को ठगते, शेष सारे मुंह ताकते रहते, न करो एक जाति की भर्ती ज्योतिराव कहते, होलकर बोरियां भर भर कर ले जाते। और आखिरी में ज्योतिबा फूले की बात अगर आप माने तो सब हर दिन एक जगह ही मिलते, शूद्रों की कोई परवाह नहीं करते, राजा धर्मशील कहलाते पीछे क्यों हट जाते, पढ़ाओ इन्हें केवल दो अक्षरों की पहचान, निषेध कर दो कहे ज्योतिराव मेहरबान, सत्ता जूतियां बिना पांव चले हल्के पीछे दिन रात, हांकते हैं बैलों को गीतों को गाते गाते, सत्ता की मस्ती में उनकी शिक्षा बंद कर दी, शूद्रों ने स्वीकार कर लिया हमेशा के लिए, मन उजल कर खाक हो गया जब अंग्रेज आया, ज्ञान रूपी मां ने हमको दूध पिलाया, अब तो तुम भी पीछे न जाओ, आओ भाइयों पूरी तरह जला के खाक कर दो मनुवाद को, हम शिक्षा पाते ही पाएंगे वह सुख, पढ़ लो मेरा लेख ज्योतिराव कहें। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे, और आपके सवाल होंगे तो उसका जवाब कमेंट में दूंगा। और इस सामाजिक न्याय की पाठशाला में आपको कैसा लगा
कमेंट करके जरूर आप अपना जवाब दीजिएगा। ज्योतिराव फूले के बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहेंगे तो हम कमेंट में बात करेंगे, मैं इसे YouTube चैनल पे डालूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं। और फिर इसकी तीसरी कड़ी में हम एक दो दिन के भीतर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बस आपसे इतना ही कि देखिए, कल्चरल हेजमनी एक माली सिखा के गया है। सुनील खिलनानी के इस किताब को फिर से याद करते हुए मैं यही कहूंगा कि सभ्यता के इस बंजर बगीचे को आज माली की जरूरत है, और वो माली आपको फूले, पेरियार, अंबेडकर, भगत सिंह, सावित्रीबाई फूले, बिरसा मुंडा, बीपी मंडल की तरह मिलेंगे। आइए कांटों को निकालते हैं, इस बगीचे को खूबसूरत बनाते हैं, किसी के खिलाफ नहीं, सबके लिए बराबर। जल्दी मिलेंगे सामाजिक न्याय की पाठशाला में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।